हेलो गुरीला आर्मी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मज़े की और बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे एआई टूल एक ऐसी एआई वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपनी इमेजेस को भी जनरेट कर सकते हैं उसी वेबसाइट से आप इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं उसी वेबसाइट से आप टेक्सट टू वीडियोज़ भी जनरेट कर सकते हैं और उसी वेबसाइट से आप ए टॉकिंग अवतार भी बना सकते हैं यानी आप वहीं से बेबी पॉडकास्ट वीडियोज़ भी बना सकते हैं आप वहीं से अपनी वीडियोज़ को आप अपनी इमेजेस को वहीं से वीडियोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ही वेबसाइट से आप इमेजेस भी बना सकते हैं यानी कि आपको अलग से किसी वेबसाइट से जाके इमेजेस नहीं बनानी पड़ेंगी पहले आपको ये करना पड़ता था कि आपको पहले एक वेबसाइट से इमेजेस जनरेट करवानी पड़ती थी फिर आपको एक वेबसाइट से उसको वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ता था जो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता था तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जो एक ही वेबसाइट के अंदर आपको हर तरह के टूल मिलेंगे और वो बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल उसकी क्वालिटी के साथ आपको मिलते हैं अच्छी क्वालिटी में और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस अकाउंट को आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर कोई क्रेडिट्स का मसला नहीं है और आप इसको अनलिमिट यूज़ कर सकते हैं अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगा आपने किस तरह इस टूल को यूज करना है अकाउंट किस तरह बनाना है आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि सबसे मेन चीज इसके अंदर अकाउंट बनाने की है अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आएगा तो आप इसके अंदर फ्री में इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे ठीक है सो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं इमेज जनरेटर का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है वीडियो जनरेटर भी आपको यहाँ पे मिल रही है और ए आई अवतार जनरेटर भी आपको यहाँ पे मिल रही है ठीक है और इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है मैं अभी आपको यहाँ पे जनरेट करके भी दिखाऊंगा कुछ मैं आपको थोड़े बहुत इमेजेस जनरेट करके दिखाऊंगा कुछ वीडियोज़ बना कर दिखाऊंगा और कुछ मैं आपको अवतार भी बना के दिखाऊंगा यानी अगर आपने बेबी पॉडकास्ट वीडियोज़ बनानी है या अगर आपने इमेजेस टू वीडियोज़ में कन्वर्ट करना है या आप कैट वाली वीडियोज़ बनाते हैं या आप जितनी भी ए एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं जिनको हम इमेजेस से वीडियोज़ में कन्वर्ट करते हैं आप वो करना चाहते हैं तो आप ये अकाउंट बना सकते हैं ठीक है इस वेबसाइट का आप कर सकते हैं बहुत अच्छी वेबसाइट है काफी रिसर्च करने के बाद ये वेबसाइट मैंने फाइंड आउट की है सो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमेज जनरेटर से ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है इमेज जनरेटर मैं इस पे जनरेट पे क्लिक करूंगा आपने भी सेम यही प्रोसीजर करना है अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से कुछ इमेजेस जनरेट करवाई है और इनके रिजल्ट आपके सामने है ठीक है आप जैसे ये इमेज है ठीक है ये यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया ठीक है मैंने लिखा था मेक अ थ्री टू फोर इयर्स ओल्ड बेबी सिटिंग इन अ पॉडकास्ट स्टूडियो पॉडकास्ट माइक इज इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक ही इज इन अ पॉडकास्ट और इसने मुझे इतनी अच्छी इमेजेस जनरेट करके दी हैं और इसके ऊपर मेरे जीरो क्रेडिट लगे हैं एक क्रेडिट भी नहीं लगा जीरो क्रेडिट लगे हैं और सबसे अच्छी चीज इस वेबसाइट की यह है कि ये आपको एक मिनट के अंदर अंदर आपकी जो जो भी आप चाहे वीडियो जनरेट करें हैं चाहे ऑडियो जनरेट करें, सॉरी चाहे इमेज जनरेट करें हैं ये एक मिनट के अंदर अंदर आपको बना कर दे देती है यानी कि फास्ट जनरेशन है ठीक है सो अभी अगर यहाँ पे आप देखें तो अभी हमने खोला है जनरेट इमेज इमेज जनरेटर हमने खोला हुआ है ठीक है तो इमेजेस जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक इसका इंटरफेस मिल जाएगा जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आपने इंटरफेस सॉरी uh, अपना प्रॉम्प्ट देना होता है यहाँ पे अगर आप कोई रेफरेंस इमेज ऐड करना चाहते हैं यानी जैसे आप किसी फेमस बंदे का बेबी बनाना चाहें या किसी फेमस बंदे को करना चाहें या आप अपनी कोई इमेज यूज करना चाहें रेफरेंस के लिए तो आप यहाँ से वो अपलोड कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देना होता है फिर यहाँ से आपको मॉडल्स मिल जाते हैं मॉडल जो है वो आपने इमेज थ्री पॉइंट ओ को ही रखना है ठीक है यही सबसे बेस्ट है आपने इसी को रखना है फिर नीचे जाए तो आपको हर तरह की रेशो मिल जाती है सबसे अच्छी बात इस टूल की यह है कि आपको यहाँ पे रेशो मिल जाती है आप हर तरह की रेशो के अंदर वीडियो बना सकते हैं ठीक है सो नॉर्मली so, हम टिकटॉक टॉक रेशो पे बनाते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स की रेशो पे बनाते हैं जो कि नाइन सिक्सटीन रेशो होती है अभी मेरी नाइन सिक्सटीन ही यहाँ पे सिलेक्ट है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देके इमेज जनरेट करवा के दिखाता हूँ ओके okay, सो so अभी मैंने यहां पे अपना प्रॉम्प्ट दे दिया है आपने एक चीज का यहां पे ख्याल रखना है कि आप यहां पे देखें तो आप मैक्सिमम जो है वो 8000 थाउजेंड अल्फाबेट्स का सॉरी 800 हंड्रेड अल्फाबेट्स का यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं सिर्फ 800 का तो आपने ख्याल रखना है कि जब अपना प्रॉम्प्ट बनाना है आपने तो आपने वो एट हंड्रेड वर्ड्स के अंदर अंदर बनाना है ठीक है जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है अब अगर मजे की चीज आप यहाँ पे देखें तो मेरे क्रेडिट्स कितने हैं जीरो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जनरेट जीरो ठीक है तो मैं जीरो क्रेडिट के साथ अभी आपको जनरेट करके दिखाऊं बताऊंगा लेकिन ये अकाउंट बनाने का प्रोसीजर क्या है ये आपको किस तरह अकाउंट मिलेगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने अकाउंट वगैरह बनाना है खैर अभी मैं यहाँ पे इसको जनरेट करता हूँ ठीक है इसको मैंने जनरेट करने का बोल दिया और ये देखना अभी थोड़े से टाइम के अंदर ही हमारी जो वीडियोस हैं वो जनरेट होकर आ जाएंगी मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितने टाइम के अंदर ये हमारी इमेजेस को जनरेट करता है ठीक है और सबसे अच्छी इस टूल की ये बात है कि आप इस एक वेबसाइट के अंदर जो है आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं सारे काम आप एक ही वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं आपकी इमेजेस भी यहीं से बन रही हैं वीडियोस भी यहीं से बन रही हैं या जो लोग हेड्रा वगैरह का यूज करके बेबी पॉडकास्ट वीडियोस बना रहे थे या किसी भी तरह का आप अवतार बुलवाना चाहते हैं यानी टॉकिंग अवतार बनाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं अब ये देखें आपके सामने है मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह से बीस सेकेंड के अंदर इसने हमें बिल्कुल फ्री के अंदर ये इमेज जनरेट करके दे दी है अब जैसे कोई भी इमेज ले लेता हूं जैसे ये वाली इमेज है ठीक है ये इमेज मैंने ले ली यहाँ पे और आप और हर जिस तरह की भी आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं चाहे वो जो आपकी कैट वाली वीडियोस होती हैं या आपकी जो रैबिट जर्नी वाली वीडियोस हैं या कोई भी एनिमल रेस्क्यू की वीडियोस हैं वो हर तरह की वीडियो आप यहां से जनरेट कर सकते हैं आपने सिंपली यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट देना है और यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो जनरेट हो जाएगी ठीक है तो अभी मैं मजीद इमेज़ नहीं जनरेट करके दिखा रहा अगर किसी को इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स चाहिए होगा तो वो काइंडली कमेंट्स में बता दे अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे अगर ज़्यादा लोगों को समझ ना आई तो आ, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बना दूंगा लेकिन मोस्टली लोगों को पता है कि किस तरह प्रॉम्प्ट देने होते हैं और किस तरह वीडियोज को जनरेट करना होता है बस मेन मकसद ये है कि आपको इस वेबसाइट का दिखाना और आपको बताना कि ये वेबसाइट किस तरह वर्क करती है ठीक है अभी हमने यूज़ किया है इमेज टू वीडियो जनरेटर मैं यहाँ से इस बेबी को भी सेव कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बेबी का भी अवतार बना के दिखाऊँ जो टॉकिंग

टेक्स्ट को यूज करके सिर्फ प्रॉम्प्ट देके वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आ जाना है और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट जो है वो आपने दे देना है ठीक है जैसे कि मैं क्या करता हूँ जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट इस इमेज को जनरेट करवाने के लिए दिया था ये वाला तो मैं इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ और अच्छा ये इसकी थोड़ी सी लेंथ लंबी है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे आप पाँच सौ बैट्स पाँच सौ अल्फाबेट्स का प्रॉम्प्ट दे सकते हैं ठीक है अभी हम कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो आपने डायरेक्ट टेक्स्ट टू वीडियो बनानी है वो इसका रिजल्ट कैसा है ठीक है तो यहां पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दी और मजे की चीज़ ये है कि इसके अंदर आप 10 सेकंड की वीडियो भी बना सकते हैं वो भी फ्री में है और यहां से आपको रेशो भी इसके अंदर हर हाँ तरह की मिल जाती है मैं नाइन कर लेता हूँ ठीक है नाइन करने के बाद यहां पे जो मॉडल है ना ये आपको थ्री पॉइंट ओ मिलेगा ये जो टूल है ये तकरीबन वीओ थ्री के साथ का है गूगल वीओ थ्री के साथ का बस इसमें ये एक चीज मिसिंग है कि ये जो आपकी टेक्स्ट टू वीडियो होती है उसके अंदर जो वॉइस ओवर होता है वो नहीं एड करता ठीक है खैर मैं अभी आपको यहाँ पे वीडियो जनरेट करके दिखाता हूं ये मेरे पास जनरेट है ठीक है मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो भी हम बना रहे हैं हम इसको जनरेट पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देखिएगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा यानी 10 से 15 सेकंड लेगा और हमारी जो वीडियो है या मैक्सिमम ये चालीस से पचास सेकेंड लेगा या एक मिनट ले लेगा ज्यादा से ज्यादा लेकिन इसके अंदर-अंदर हमारी वीडियो कंफर्म okay, so अब, कि है, है? अब यहाँ पे देखें कितनी रियलिस्टिक हमारी वीडियो बनी है पीछे लोग भी गुजर रहे हैं और ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है जो बंदा बोल रहा है सो है? So इसको अभी हम यहाँ पे रोकते हैं ठीक है रोकने के बाद ये हो गया हमारा टेक्स्ट वीडियो ठीक है आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे के अपनी कोई भी वीडियो बना सकते हैं बस ये आपकी वीडियो के अंदर जो है वो ऑडियो नहीं ऐड करेगा वो आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं बाद में अपनी एडिटिंग का, का इस्तेमाल करके एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करके कलैदा से वॉइस ओवर बना के वो आप एडिटिंग में ऐड कर सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे किसी भी तरह की वीडियोज बनाना चाहें आप यहाँ पे बना सकते हैं प्रॉम्प्ट दे के ठीक है तो ये हो गया हमारा ठीक है? है अब अब इसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ हम यहाँ से जनरेट करते हैं इमेज टू वीडियो तो इमेज टू वीडियो जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा एड इमेज एज फर्स्ट फ्रेम ठीक है तो आपने यहाँ पे अपनी इमेज को ऐड कर देना जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हैं मैंने यहाँ पे ये एक इमेज को ऐड किया ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में जब आपकी इमेज ऐड हो जाएगी ठीक है यहाँ पे मेरी इमेज ऐड होगी अब आपने उस इमेज को जनरेट करने के लिए जो भी प्रॉम दिया था जो इमेज को बनाने के लिए प्रॉम दिया था वो ऐड कर लें या आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं जिस तरह आप उस इमेज को चाहते हैं कि वो किस तरह की वीडियो बने जिस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे, पे सिंपली लिख देना है ओके सो यहाँ पे अभी मैं अपना एक प्रॉम ऐड कर देता हूँ मैंने प्रॉम ऐड कर दिया है उसके बाद में यहाँ से सेम आपने वीडियो थ्री को सेलेक्ट करना है टेन सेकेंड की हम इसकी जनरेशन साइज रखते हैं और इसको हम जनरेट होने के लिए कह देते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जीरो क्रेडिट है और जीरो क्रेडिट में ही मेरी वीडियो भी जनरेट हो रही है और कितनी प्रोफेशनल वीडियोस बन रही है मैं इसको सिंपली जनरेट होने के लिए कहूंगा जैसे ही मैंने जनरेट होने पे क्लिक किया है यहाँ पे ये यह मेरी वीडियो जो है जनरेट होना शुरू होगी और आप देख रहे हैं ये कितनी तेजी से जनरेट हो रही है अब ये जैसे ही कंप्लीट होती है फिर मैं आपको वीडियो दिखा दूँ आगे ओके सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी इमेज टू वीडियो है वो भी जनरेट हो चुकी है और कितनी अच्छी इसने मुझे यहाँ पे जो वीडियो है वो भी जनरेट करके दी है तो आप किसी भी तरह की इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इस टूल का इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस को भी वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है सो ये हमारा इमेज टू वीडियो हो गया इस टूल के अंदर अब थर्ड चीज जो हमारे पास आती है जो कि बेबी पॉडकास्ट वाली है या कोई भी अवतार आप उसके अंदर चेंज करके बुलवाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कर सकते हैं सो उसके लिए आपने वापस बैक आना है अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ए आई अवतार जनरेटर ठीक है सो तो आपने लिप्सिंग के ऊपर क्लिक करना है जैसी लिपसिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे ठीक है अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो ऊपर है आपका ए आई अवतार सिलेक्ट हो ठीक है यहाँ पे ए आई अवतार सिलेक्ट हो अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा आप जिस भी इमेज को जिस भी इमेज को चाहे वो अपना अवतार है या आप बेबी पॉडकास्ट बना रही है कुछ भी आपने जिस भी बंदे को बुलवाना है जिस भी इमेज की लिपसिंग करवानी है आपने सिंपली एड कर देनी है जैसे अभी हमने यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर बनाया था तो मैं उसी को एड करूँ यहाँ पे ठीक है ये यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन है अब इस वेबसाइट की एक और अच्छी बात यह है कि आप इस वेबसाइट के अंदर आपने सिंपली यहाँ पे जो भी आपकी स्क्रिप्ट है जो चीज़ आप उसे बुलवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिखते नहीं है ठीक है जो भी आपकी बात है उसके बाद अभी मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ जो बात मैं बुलवाना चाहता हूँ ओके सो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर दी है आपने जो भी बुलवाना है वो आपने ये टेक्स्ट टू स्पीच वाली जगह पे ऐड कर देना है ठीक है उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये फिल्टर का ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी वॉइज है आप यहाँ से जो भी वॉइस यूज करना चाहते हैं आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेनी है एक तो तरीका ये हो गया कि आप यहाँ पे डायरेक्ट अपनी वॉइस दें और यहाँ से आप अपनी वीडियो जनरेट करवा लें डायरेक्ट ठीक है आप अपनी स्क्रिप्ट देखे इधर से ही जो आवाज़ है वो यूज कर लें जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी है मैं मेल में जाता हूँ मेल में जाने के बाद मैं देखता हूँ दिखाता हूँ एक बार हेलो व्यूअर्स आई एम स्टैंडिंग इन इन द द हार्ट ऑफ ऑफ पेरिस राइट फ्रंट टावर मी। ये वॉइस आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं मैं अभी के लिए यहीं से जनरेट करूंगा तो मैं ये वाली वॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने वॉइस सेलेक्ट कर लिया है और थोड़ा सा अगर आप इसमें नीचे करके देखेंगे अच्छा ये तो हमारा तरीका हो गया कि हमने अगर यहाँ पे आ, यहीं से वॉइस ओवर भी हम बनवा लेकिन अगर आपके पास अपनी कोई ऑडियो फाइल है आप वो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ अपलोड ऑडियो आपने सिंपल अपलोड ऑडियो पे क्लिक करना है और वो जो भी आपकी फ़ाइल होगी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है लेकिन आपने ख्याल रखना है कि वो पंद्रह सेकेंड से लंबी ना हो और वो एम फॉर्मेट में होनी चाहिए जैसे मैंने जैसे आप बेबी पॉडकास्ट की वीडियोस के लिए या और वीडियोस के लिए करते हैं अपनी अगर आप ऑडियो फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं ठीक है अपनी मर्जी की जो आपने पहले से बना कर रखी हुई है या कहीं से उठाई है तो वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे आपका डिवाइस खुल जाएगी और आपने अपलोड कर देने और इस वेबसाइट को यूज़ करने का यही सारा सेम प्रोसीजर होगा अगर आप कोई बंदा फ़ोन के ऊपर यूज़ करता है तो अभी हम टेक्सट टू स्पीच को कर रहे हैं मैं वापस टैक्स टू स्पीच में आता हूँ मैंने यहाँ पे अपनी टैक्स दे दी है आपने यहाँ पे जो टैक्स देना है वो भी ख्याल रखना है कि वो इतना ही हो कि पंद्रह सेकंड से ऊपर ना जाए आपने पार्ट पार्ट्स में काम करना है क्योंकि फ्री में ये आपको पंद्रह सेकंड तक ही जनरेशन करके देगी ठीक है सो तो अभी आप फिर देख रहे हैं यहाँ पे जीरो क्रेडिट है यहाँ पे भी जीरो क्रेडिट है मेरे पास और मैं इसको जनरेट होने के लिए कह देता आपने देखा है इसने कितना अच्छा मुझे यहाँ पे जो लिपसिंक है वो एड करके दी है और ये बिल्कुल फ्री में इसने करके दिया ठीक है अब जो लोग बेबी पॉडकास्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ जो कि मेरी बेबी की है जो मैंने यहीं से जनरेट करवाई है ठीक है सो so, मेरी यहाँ पे इमेज है ये मेरी इमेज है ये मैंने ऐड कर लिया है और मैं यही जो टेक्स्ट है यही लिखा रहने देता हूँ ठीक है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि जल्दी वीडियो जनरेट हो जाए और आपको समझ आ जाए सो so, उसके बाद इसमें भी सेम है कि अगर आप अपनी कोई वॉइस यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं अपनी कोई ऑडियो अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप अपलोड ऑडियो में जाके कर सकते हैं मैं अभी यहीं से यूज़ कर करूँ और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा जो बेबी की आवाज़ के अंदर फिल्टर है वो मिल जाता है सॉरी जो वॉइस है वो मिल जाती है मैं अगर अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं सो ऊपर चलते हैं तो ये देखें ये क्यूट बेबी मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको सर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है अब मैं यहाँ से इसकी जो स्पीड है आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कि वो तेज से बोले तो बढ़ा सकते हैं मैंने 1.1 पॉइंट वन पर रखी हुई है जो कि एक नॉर्मल स्पीड है और मैं यहाँ से इसको भी आप जनरेट करके दिखाता दूँ और एक आप यहाँ पे अगर चीज़ देखें तो अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो जनरेट की हैं सारी बिल्कुल स्मूथ हो रही हैं मैंने इससे पहले भी इसी अकाउंट के ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत देर से मैं टेस्टिंग के लिए भी वीडियोज़ वग़ैरह जनरेट कर रहा था और ये बहुत स्मूथली मुझे बना के दे रही थी और आप देखें तो सारा काम जीरो क्रेडिट में हो रहा है यहाँ पे भी जीरो क्रेडिट यहाँ पे भी जीरो क्रेडिट ठीक कैसे मैं इसको प्ले करता हूं अभी जो मेरी वीडियो जनरेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ओके सो आप मेरी जो यहाँ पे बेबी वाली वीडियो है वो भी रेडी हो चुकी है ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए रेफरेंस के लिए आपको समझाने के लिए बेबी की बना रहा रूँ क्योंकि अभी मेरे पास यही पड़ी थी तो मैंने कहा मैं अपना इसी को यूटिलाइज करके आपको समझा दू आप किसी भी तरह के अवतार को बनाना चाहते हैं आप किसी भी तरह की पिक्चर को लिप्सिंग करवाना चाहते हैं अपने वॉइस ओवर के हिसाब से तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं ठीक है आप कोई भी इमेज अपलोड करें कोई भी यहाँ पे बात बुलवाना चाहते हैं बुलवाएं और आपका वॉइस ओवर बन जाएगा अभी मैं आपको इसका दिखात right okay, so अभी आपके सामने रिजल्ट है ठीक है आपने देखा है इसने कितनी अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो बना के दी है, ठीक है सो ये वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर आप इमेज जनरेट भी कर सकते हैं इमेज को वीडियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप अपनी टॉकिंग अवतार वीडियो भी बना सकते हैं और आप टेक्स्ट टू वीडियो जो वियो थ्री का काम है जो वीओ थ्री जिस तरह वीडियो बनाता है वो वीडियोज भी आप यहाँ पे बना सकते हैं ठीक है सो so, ये एक वेबसाइट के अंदर आपको सारे टूल्स मिलेंगे और ये इतने प्रोफेशनल वीडियोस बना रहे कि आपके सामने आ रिजल्ट्स मैंने आपको सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया है अब मैं आपको पहले इस वेबसाइट का नाम बता देता हूँ इस वेबसाइट का नाम है ड्रीम ठीक है ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी सिंपली आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है ठीक है और आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट है अब जो ये वाला अकाउंट मैं यूज़ कर रहा करूँ जिसके अंदर मैं फ्री वीडियोस बना रहा हूँ मुझे कोई क्रेडिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी ये अकाउंट बनाने का क्या तरीका है उसके लिए आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है इसका जो कंप्लीट मेथड है जो कंप्लीट मेथड है किस तरह अकाउंट बनाना है वो सारा ईच एंड एवरी थिंग वहाँ पर मैं वीडियो डाल दूंगा कम्प्लीट गाइडेंस के साथ ठीक है कम्युनिटी ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर जो हमारे मेरी टीम का चैट का लिंक है आपने सिंपली उसके ऊपर मैसेज कर देना है कम्युनिटी लिंक जैसे ही आप उस उसमें मैसेज करेंगे तो आपको कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा सो आई होप आपको ये टूल पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान होगी होंगी वीडियो कैसी लगी है इसका फ़ीडबैक कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और अगर कोई न्यू व्यूअर है तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हम इसी तरह की बहुत सारे ए टूल्स के ऊपर वीडियोस लेकर आते रहते हैं कंप्लीट ट्यूटोरियल्स और इसके अलावा यूट्यूब ऑटोवेशन से रेलिवेंट हमारे चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलते रहेंगे